ये यहाँ से आपने एंट्री की थी। अच्छा, मेन रोड ये देख लेंगे आप जी सर। ये बिल्डिंग का हमारा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू है, सामने नजर आ रहा है वो देखिए ऑलरेडी। सर उसमें कितने फ्लैट्स है? उसमें सर वो लग्जरी बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर पे सिर्फ दो फ्लैट है, एक फ्लोर पे दो फ्लैट, एक 1 BHK एक 2 BHK, टोटल है 14 फ्लैट्स एक विंग में। अच्छा, बाकी ये विंग पकड़ेंगे तो ये बिल्डिंग में 176 फ्लैट है उसमें। एक फ्लोर पे 24 फ्लैट्स, तीन विंग को ज्वाइन करके बनाया हुआ है। अच्छा, तीन विंग से उसमें मर्ज किया गया। यस सर, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ग्राउंड प्लस 1 का, जैसे मैंने आपको क्लब हाउस बोला, ये क्लब हाउस का एलिवेशन, ये आपका स्विमिंग पूल आ गया। और यहाँ पे आएंगे तो आपका ये वॉकिंग ट्रैक और चिल्ड्रन प्ले एरिया एंड सिटिंग एरिया, मतलब जॉगिंग ट्रैक भी हो गया आराम से, जॉगिंग ट्रैक भी आपका साइड से हो गया। और ये बिल्डिंग यहाँ पे जो प्लान करेंगे इसमें कितने फ्लैट्स हैं? इसमें 48 फ्लैट्स है। 48 फ्लैट्स मतलब ओवरऑल अगर मैं काउंट करूँ पूरे ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का तो अबाउट 250 फ्लैट्स का ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें आपके पास कमर्शियल सिर्फ 5 शॉप्स अवेलेबल है, 5 कमर्शियल्स भी अवेलेबल है जो अब तक हम लोगों ने सेल नहीं किए। हम लोग ये बिल्डिंग रेडी करके जो हजरात कमर्शियल लेना चाहते हैं, देखिए बिल्डर सामने मौजूद है, आप जल्दी से जल्दी आइए। इस पूरे 250 फ्लैट के कॉम्प्लेक्स में आप अपना इंडिपेंडेंट, अपना पर्सनल, अपना कमर्शियल ले सकते हैं और अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। सर आगे बताइए और क्या क्या प्लान है सर? ये देखिए ये पहली बिल्डिंग, ये पहली बिल्डिंग सामने नजर आ रही है एकदम, ये मतलब एक फ्लोर पे दो फ्लैट वाली, दो फ्लैट जैसे मैंने आपसे कन्वे किया था, एक फ्लोर पे दो फ्लैट, ये इसका फ्लोर प्लान है, ये शॉप का फ्लोर प्लान है। ओके, बस आप बिल्डिंग का फ्लोर प्लान दे सकते हैं, ये 2 BHK का फ्लैट, ये 1 BHK का फ्लैट। ओके ओके ओके, ये जैसे मैंने सी विंग आप सी डी ई विंग शेयर की, एक फ्लोर पे 27 फ्लैट। अच्छा, पूरे उसके जो पैसेज है एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा कनेक्टेड, मतलब कहीं से भी जाकर कहीं से भी उतर सकते हैं। 3 लिफ्ट्स है एंड यहाँ पे आपको ग्राउंड में आपको जिमनेशियम मिल रहा है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे। ओके सर, जैसा कि अभी कस्टमर्स नेरल की तरफ रुख कर रहे हैं बम्बई से, सर नेरल में अभी ऐसी क्या अपनी खास बातें हैं? अभी आप सर बहुत पुराने हैं, नेरल नेरल एक ऐसा लोकेशन है जो हॉलीडे होम के लिए भी यूज हो सकता है, फर्स्ट होम के लिए भी यूज हो सकता है। अच्छा, आपका बॉम्बे से कनेक्टिविटी यहाँ पे लोकल ट्रेन के थ्रू आप बॉम्बे भी जा सकते हैं, पुणे भी जा सकते हैं। ओके, मॉर्निंग में आप देखेंगे यहाँ पे नेरल एक जंक्शन है सर, जहाँ पे मेल ट्रेन भी रुकती है कुछ, यहाँ से आपको पुणे के लिए भी डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है, बॉम्बे के लिए भी मिल जाती है। सेकंड, इट इज बिकमिंग एन एजुकेशन होम, आपने देखा रहेगा दिलकर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, प्लस वहाँ पे उनका स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल, देखा रहेगा सर आयकर करके यहाँ पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है एपटेक का, विच इज नाउ ओन बाय जेवियर्स XLR जमशेदपुर, जो इंडिया का टॉप 10 MBA में कॉलेज है। Okay. उनका कैंपस यहाँ पे 20 acres में स्टार्ट हो गया है, प्लस आप लोगों ने टीवी पे सुना रहेगा मोदी जी ने जियो यूनिवर्सिटी को फेलिसिटेट किया। जी जी, सर जियो यूनिवर्सिटी आ रही है आपके करजत में, 800 एकड़ की उनका लैंड पार्सल है, नजदीक यहाँ से, करजत यहाँ से सर 12 किलोमीटर पे है। मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे पूजा करके ओपनिंग भी, उनका कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो चुका है। मतलब फ्यूचर नेरल डेवलपमेंट के चांसेस है ना सर? मतलब काफी चांसेस है, अभी जैसा नेरल को ज्योग्राफिकली देखते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पूरा एरिया नजर आ रहा है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहा है। आप यहाँ पे पनवेल एक हब, पनवेल हब हो रहा है, पनवेल में एयरपोर्ट आ रहा है, आप हिल्स देख सकते हैं, ये हिल्स के वो साइड में सर पनवेल है, एंड गवर्नमेंट का स्कीम भी चालू है स्टेट हाईवे नंबर 54 जिसपे काम चालू है, नेरल चाकन हाईवे, नेरल पनवेल चाकन हाईवे, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं। वो रोड एक बार कनेक्ट हो गया तो पनवेल विल बी 15 मिनट्स फ्रॉम, मतलब वो बाय रोड से कनेक्टिविटी हो जाएगी। यस सर, बाय रोड टनल की पॉइंट एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो साइड पनवेल है, यहाँ से एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ये अपना जो पहाड़ जो नजर आ रहा है ये बैक साइड का, इसके पीछे बैक साइड में पनवेल है अपना, इसके पीछे बैक साइड पनवेल नेरे करके एरिया है। अच्छा, एंड वहाँ पे ऑलरेडी रोड का नाम ही है नेरल पनवेल रोड, नेरल पनवेल रोड, आप जाके फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेकंड ग्रीनरी है, मतलब आने वाले फ्यूचर में नेरल पनवेल से कनेक्टिविटी एकदम इजीली हो जाएगी, एकदम इजीली हो जाएगी। पनवेल में एयरपोर्ट आ रहा है आपका, JNPT वहां से नजदीक है, तो हर एक अभी पनवेल जाने में कितना समय लगता है सर? अभी हाल फिलहाल अगर जाते हैं तो 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, बाद में अगर ये इंशाल्लाह जैसे रोड बनते हैं, ये ट्रेन भी स्टार्ट हो रही है पनवेल करजत की, पनवेल करजत, तो उसके बाद कनेक्टिविटी थोड़ी इजी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। प्लस आपका नेरल ऑफर पोल्यूशन फ्री होम, सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ने जो बताया कि पोल्यूशन फ्री, मतलब लोगों की सेहत बनती यहां है, यहाँ पे आपका केमिकल इंडस्ट्रीज अलाउड नहीं है, जी जी, बिकॉज ऑफ माथेरान इको सेंसिटिव एरिया, यहाँ पे आजू बाजू में आपको पॉल्यूशन वाली फैक्ट्रीज कोई भी नहीं दिखेगी, वर्कशॉप कंपनी फैक्ट्रीज कारखाने घोड़ो ये सब चीजें बैन किया गया गवर्नमेंट ने, और ये टोटली ग्रीन सिटी, सिर्फ इसलिए ग्रीन सिटी ऑफ महाराष्ट्र कहा जाता है, पॉल्यूशन फ्री सिटी। सर बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ पे लोगों की मतलब अच्छी सेहत बनती है, लोग यहाँ पर आते हैं खुली आबोहवा के लिए, वर्किंग के लिए। यहाँ से आपको मतलब ये साइड जाएंगे तो 10 किलोमीटर आगे बदलापुर MIDC है, अंबरनाथ में 3-4 MIDC है, ये साइड आप जाएंगे तो खोपोली MIDC है, मतलब यहाँ से आपको वर्क कन्वीनियंटली आप कहाँ पे भी कर सकते हैं। प्लस अभी एजुकेशन हब हो रहा है तो जो लोग एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पे जियो यूनिवर्सिटी XLR से काफी कॉलेजेस आ रहे हैं, अब उनको एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे भी ज्यादा मिल सकता है। सर जैसे आपने ये बात तो बताई नेरल के ज्योग्राफिकली एरिया के बारे में बात बताई,
सर यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो रेट बढ़ रहे हैं कि क्या क्या हिसाब हो रहा है? आप कितने साल से यहाँ पे सर निरल में काम कर रहे हैं? हम लोग को 10 साल यहाँ पे हो चुके हैं। 10 साल आप यहाँ पे निरल में? विल बी सेलिब्रेटिंग 10th ईयर। ओके, वेरी गुड। आपको इनवाइट करेंगे वो टाइम पे। एंड 10 साल से सर एक ट्रेंड देखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट हर चीज बढ़ती है, बढ़ती है। अगर बात करूँ आज, अगर एक एवरेज अगर देखें 20-22 लाख में, आज जो 1 BHK का बॉक्स प्राइस है 20 से 22 लाख, 6 से 8 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। सर एक कहावत है, जमीन पैदा नहीं होगी, इंसान पैदा होगी। क्या बात है। तो इंसान इंसान को रहने के लिए मकान लग सकते हैं, पर आप जमीन पैदा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बॉम्बे में प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो लोगों के लिए नेरल और ऐसे 2-3 ऑप्शन छोड़ के दूसरे कुछ ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं। बिल्कुल। आज कुछ मिडिल क्लास मिडिल बजट वाले लोग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ ने मैरिज की, उनको नया घर चाहिए, तो रेंटल की जगह पे यहाँ पे वो EMI पे ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे पास कुछ कुछ बैंक का एक्सक्लूसिव टाई अप है उनका, जैसे HDFC बैंक, कुछ कुछ क्लाइंट्स के लिए वो 95% भी फंडिंग करते हैं। 95 हो जाता है? 95% मतलब 5% डाउन पेमेंट देंगे तो काम हो जाएगा सर? डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब रेयर केस में ना, कि रेयर क्लाइंट की कैपेसिटी, क्लाइंट के हिसाब से। ओके ओके। नहीं तो 90-95% बैंक देते, मतलब ओवरऑल 90% आप पकड़ के चले अगर, लेकिन अगर आप कैपेसिटी कर सकते हैं अगर 95% तक की, तो 5% डाउन पेमेंट करके भी 95% लोन ले सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ। तो बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं सर आपको आपके इस कैलाश कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग का साथ रहेगा तो और सर बिल्कुल करेंगे सर। बहुत बहुत शुभकामना, वेरी थैंक्सफुल सर इंटरव्यू, आपने अपने कीमती समय दिया, और कांग्रेचुलेशन टू दिस कैलाश कॉम्प्लेक्स। उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और लोगों के सपनों के घर उनको ऑन टाइम सर हैंड ओवर करें। सर हम लोग का टैगलाइन ही है लग्जरी होम विद अफोर्डेबिलिटी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।